नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो राफेल विमानों को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 6 और राफेल लड़ाकू विमान शामिल होने वाले हैं। फ्रांस के दौरे पर पहुंचे वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया जी ने 6 राफेल लड़ाकू विमानों को भारत के लिए रवाना करने के लिए हरी झंडी दे दी है। ये विमान फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से उड़ान भरेंगे और करीब 7,000 किलोमीटर का सफर तय कर भारत पहुंचेंगे। इनके आने के बाद हमारे पास राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या 20 तक पहुंच जाएगी। फिलहाल भारत के पास 14 लड़ाकू विमान है। मई में भी कुछ और राफेल विमानों के भारत आने की बात कही जा रही है। भारतीय वायुसेना में राफेल लड़ाकू विमानों की 2 स्क्वाडन होंगी। 2 स्क्वाडन में 18-18 लड़ाकू विमान होंगे। एक स्क्वाडन की तैनात की अम्बाला एयरबेस और दूसरी स्क्वाडन की तैनात की हाशिमारा एयरबेस पर होगी। अम्बाला एयरबेस पूरी तरह से तैयार हो चुका है और अभी यहीं पर सारे राफेल तैनात हैं, जबकि बंगाल के हाशिमारा एयरबेस को अम्बाला की तरह डेवलप किया जा रहा है। अम्बाला एयरबेस से पाकिस्तान को भारत साधेगा और हाशिमारा एयरबेस से चीन को। युद्ध के हालात में भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और चीन की वायुसेना के खिलाफ तेजी से एक्शन ले पाएगी। अगली अपडेट CDS विपिन रावत को लेकर आ रही है। CDS जनरल विपिन रावत ने कहा कि राष्ट्रीय सीमाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से पलायन अच्छा नहीं है और रिवर्स माइग्रेशन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड के पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौती से निपटने में उत्तराखंड की भूमिका विषय पर उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि रिवर्स माइग्रेशन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं को बढ़ाना होगा। उत्तराखंड में चीन के साथ 350 किलोमीटर की सीमा और नेपाल के साथ 275 किलोमीटर की सीमा है। CDS ने कहा कि राज्य में पर्यटन और औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर्स को लेकर आ रही है। US नेवी के नेवल एयर सिस्टम कमांड ने कहा कि भारतीय नौसेना के लिए MS-60R एंटी सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टरों ने अपनी पहली उड़ान भरी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर MS-60R की पहली उड़ान के बारे में सूचित किया। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए 24 MS-60R हेलीकॉप्टरों को खरीदने का अनुबंध पिछले साल फरवरी में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान किया गया था। पिछले साल नौसेना दिवस पर लॉकहीड मार्टिन ने भारतीय चिन्हों में MS-60R की पहली तस्वीर जारी की। डिफेंस सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पहला विमान जुलाई के अंत तक भारत पहुंच जाएगा। MS-60 अमेरिकी नौसेना का प्राथमिक एंटी सबमरीन और एंटी सरफेस वॉरफेयर हेलीकॉप्टर है। इसका इस्तेमाल सेना के परिवहन और कार्गो मिशन के लिए भी किया जा सकता है। MS-60R सिरोस्की ब्लैक हॉक से प्राप्त हेलीकॉप्टरों की फैमिली का नवीनतम नौसेना संस्करण है। MS-60R वर्तमान में अमेरिकी नौसेना, रॉयल डेनिश नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना के बलों के साथ सर्विस में है। साथ ही इसका ऑर्डर ग्रीस और दक्षिण कोरिया ने भी किया है। भारतीय नौसेना 24 MS-60R हेलीकॉप्टरों की तुलना में आगे आने वाले समय में और अधिक इन हेलीकॉप्टरों को खरीद सकती है, क्योंकि भारतीय नौसेना को 100 से अधिक ऐसे भारी हेलीकॉप्टरों की भी आवश्यकता है। अगली अपडेट वियतनाम और भारत को लेकर आ रही है। भारत ने अपने रक्षा और अन्य शिपयार्डों के द्वारा वियतनाम को युद्धपोतों के निर्माण और रखरखाव के हर संभव मदद की पेशकश की है, जो अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने और प्रशिक्षण देने में वियतनाम की सहायता करेगा। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच एक वेबिनार में कहा गया है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए चल रहे मिशन न केवल दिख रहा है बल्कि एक लागत प्रभावी उत्पादन भी है। आपको बता दें कि भारत ने जहाज निर्माण के क्षेत्र में जबरदस्त विशेषज्ञता हासिल कर ली है। भारतीय शिपयार्ड प्लेटफॉर्मों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए वियतनामी शिपयार्ड के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। भारत वियतनाम रक्षा सहयोग पर वेबिनार में दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। भारत ने वियतनाम को पहले भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पेशकश भी की है। इसके अलावा आकाश मिसाइल की भी पेशकश भारत ने वियतनाम को कर रखी है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो आ रही है पनडुब्बी परियोजना को लेकर। हिंद महासागर में पीपल लिबरेशन आर्मी नेवी की बढ़ती उपस्थिति के कारण भारतीय नौसेना SSN प्रोग्राम को अपनी प्राथमिकता दे रही है। परमाणु ऊर्जा चलित अटैक सबमरीन यानी कि SSN के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना की परियोजना अब CCS के सामने रख दी गई है। इस प्रोग्राम के तहत 6 SSN के डिजाइन और निर्माण शामिल है। प्रत्येक का 6000 टन का विस्थापन होगा यानी कि डिस्प्लेसमेंट। आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की योजना है कि 65,000 टन का एक स्वदेशी विमान वाहक पोत भी बनाया जाए। वहीं SSN भारतीय नौसेना की पनडुब्बी फ्लीट को स्टेल्थ बनाएगा। डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के विपरीत SSN लगभग अनिश्चित काल तक पानी के नीचे रह सकती है। न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन यानी कि SSBN के विपरीत SSN परमाणु टैप किए गए बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं ले जाते हैं, बल्कि ये पनडुब्बियां
लंबी दूरी की एंटी शिप और लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों और टॉरपीडो से लैस होती हैं। भारत सरकार ने 2015 में SSN परियोजना के लिए हरी झंडी दे दी और गुड़गांव में स्थित सबमरीन डिजाइन केंद्र में 2017 के आसपास डिजाइन पर काम भी शुरू हो गया था। तब से काफी प्रगति भी हुई है। अगले 2 सालों में डिजाइन को अंतिम रूप यानी कि फाइनल शेप दे दी जाएगी और इसके बाद इसका हल्का निर्माण शुरू होगा। आपको बता दें कि नौसेना ने हैदराबाद स्थित राज्य के स्वामित्व वाली मिश्रा धातु निगम को पनडुब्बी के हल के लिए एक स्वदेशी विशेष यानी कि स्पेशल एलॉय विकसित करने के लिए कहा है, ताकि अरिहन श्रेणी की SSBN की तुलना में ये और ज्यादा सक्षम हो सके। SSN परियोजना के लिए विकसित किया जा रहा रिएक्टर अरिहन श्रेणी की पनडुब्बियों पर एक बड़ा सुधार होगा। ऐसा माना जाता है कि इसका उत्पादन लगभग 190 मेगावाट का है, जो अरिहन श्रेणी की SSBN पर 83 मेगावाट के रिएक्टर पर एक प्रमुख अपग्रेडेशन होगा। वर्तमान में भारत के पास रूस से पट्टे पर एक SSN INS चक्रा है। भारत के पहले SSBN INS अरिहन को 2017 में शामिल किया गया था। इस क्लास की अगली SSBN अरिघाट है और इसे इस साल के अंत में नेवी में शामिल किया जा सकता है। INS अरिहंत और अरिघाट से बड़े और बेहतर शस्त्रों को आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके अलावा भारत एक नए प्रकार के SSN BN पर भी काम कर रहा है, जिसे S5 के रूप में पहचाना जाता है और ये नया टाइप यानी कि नया प्रकार अरिहंत क्लास पर एक महत्वपूर्ण सुधार होगा। इसमें 13,500 टन का डिस्प्लेसमेंट होगा और 12 लंबी दूरी की परमाणु मारक क्षमता वाली मिसाइलों को ये ले जाने में सक्षम होगा। आपको बता दें कि हिंद महासागर में पीपल लिबरेशन आर्मी की बढ़ती उपस्थिति की वजह से ही भारत अपने नौसेना के SSN प्रोग्राम को प्राथमिकता दे रहा है। US नेवल इंटेलिजेंस का कहना है कि PLA नौसेना के पास वर्तमान में कम से कम 5 SSN और 4 SSBN पनडुब्बियां हैं। अगली अपडेट भी भारत की पनडुब्बियों को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना INS सिंधु ध्वज जो कि 1 किलो क्लास की पनडुब्बी है, उसे रिटायर कर रही है। आपको बता दें कि भारत अब किलो क्लास की सबमरीन्स को फ्रांस की स्कॉर्पिन पनडुब्बियों से प्रतिस्थापित कर रहा है, जिन्हें मझगांव डॉकशिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा लाइसेंस के तहत बनाया जा रहा है, जिनमें से 3 कलवरी क्लास की पनडुब्बियों को शामिल भी किया गया है। तीसरा INS करंज इस साल 11 मार्च को मुंबई में चालू कर दिया गया था। 2023 तक 3 और स्कॉर्पिन, वेला, वेगीर और वाक्शीर को चालू किया जाना है, लेकिन ये 24 कन्वेंशनल पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगली अपडेट इसरो और IIT को लेकर आ रही है। इसरो और IIT दिल्ली 8 रिसर्च प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे। इसरो ने अपने रेस्पॉन्ड प्रोग्राम के तहत 1 से 3 साल की अवधि के लिए इस परियोजना का समर्थन किया है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर यानी कि LPSC, सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी यानी कि SCL और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि VSSC इस परियोजना में शामिल होंगे। जिन 8 प्रोग्रामों पर साथ में मिलकर काम किया जाएगा, उसमें इसरो और IIT दिल्ली के वैज्ञानिक संयुक्त रूप से काम करेंगे। इसके अलावा ये दोनों संस्थाएं इंडिजिनियस सेंसर बेस्ड रियल टाइम फ्लड वार्निंग स्मार्ट सिस्टम पर काम करेंगी। इसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यूमेरिकल सिमुलेटर फॉर माइक्रो फैब्रिकेटर इलेक्ट्रो स्प्रे थ्रस्टर्स, डिजाइनिंग स्पेशलिटी ग्लासेस एम्प्लॉइंग मशीन लर्निंग एंड मेटा हेरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन, लो प्रेशर सिस्टम, इन सभी क्षेत्रों में दोनों संस्थाएं मिलकर काम करेंगी। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।